मथुरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर एक बारात ऐसी निकली जिसके बारातियों को देखकर लोग हैरान दिखे। शमशान की राख से सजे बाराती भूत प्रेत की वेशभूषा में नाचते गाते और झूमते हुए चल रहे थे। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर से सज धज कर भोले बाबा के बारात निकली तो श्रद्धालुओं ने जगह जगह फूलों की वर्षा की। बारातियों में भस्म रमाए हुए भोले के भगत शामिल हुए। दूल्हा बने भोले बाबा को निहारने के लिए भक्तों का तांता लग गया। वही भगवान भोलेनाथ की बारात में भैरव बाबा, माँ चंडी देवी, भगवान ब्रह्मा, विष्णु सहित अन्य देवी देवता बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के तत्वाधान में निकली भगवान भोलेनाथ की बारात में उनके गढ़ के स्वरूप नृत्य करते चल रहे थे। नगाड़ों की ध्वनि पर भगवान शिव के गढ़ों के साथ भक्त भी झूम उठे। शिव बारात में भूत प्रेत और देवताओं का वेश बनाकर सैकड़ों बाराती शामिल हुए। झूमते गाते बारातियों को देखने के लिए सड़कों पर भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नंदी पर सवार भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबको आकर्षित कर रहा। आज भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि जन्मभूमि से भोलेनाथ की बारात निकल रही है। पुराणों में वर्णित स्वरूप के अनुरूप इस बारात के दर्शन करके लाखों लाखों श्रद्धालु अभिभूत हैं, नगरवासी आनंदित हैं। जिस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए स्वयं भोलेनाथ पधारे, उन्होंने लीला में सम्मिलित होने के लिए गोपी रूप धारण किया, ऐसे भोलेनाथ की बारात का स्वागत नगरवासी और भक्तजन बहुत ही दिव्य और भव्यता से कर रहे हैं। आज राधे राधे के साथ साथ हर हर महादेव भी इस कृष्ण की नगरी में गूंज रहा है। आपकी बात क्या खासियत बारात में देखने को मिल रही है? भोले की बारात में जो परंपरा है, परंपरागत स्वरूप के दर्शन है, उनका पालन किया गया है। लगभग 12 स्थान से भक्तजन आए हैं जो भिन्न भिन्न स्वरूप को धारण करके इस सबसे बारात की शोभा को बढ़ा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और ऑल का बटन दबाना ना भूलें।